क्या आपने कभी सोचा है कि हर व्यक्ति की आवाज़ अलग अलग क्यों होती है, जिसे सुनते ही हमें यह पता चलता है कि यह आवाज़ किसकी है। तो आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि आखिर हर व्यक्ति की आवाज़ अलग अलग क्यों होती है। हर व्यक्ति की आवाज़, उसका जोर और लहजा अलग अलग होता है। स्वर ग्रंथि के पर्दे के कंपन के कारण ही ध्वनि उत्पन्न होती है। जब स्वर ग्रंथि के माध्यम से हवा को धक्का दिया जाता है तब पर्दा कंपन करता है, जिसके कारण ध्वनि उत्पन्न होती है। जैसे इंसान के हाथ पैर कान नाक अलग अलग होते हैं, वैसे ही हर इंसान की स्वर ग्रंथि का पर्दा छोटा बड़ा या पतला होता है। इसके कारण जब व्यक्ति बोलता है तब उसका स्वर ग्रंथि का पर्दा कम या ज्यादा कंपन करता है, इसलिए आवाज बदल जाती है। बोलने के लिए हमें फेफड़ों में हवा भरनी पड़ती है और ये हवा स्वर ग्रंथि से गुजरकर पर्दों को हिलाती है और आवाज निकलती है। अगर फेफड़ों में हवा का धक्का धीमा हो तो धीमी आवाज और जोर से हो तो आवाज तेज होती है। इसके अलावा खाने पीने की आदत के कारण या बीमारी के कारण भी स्वर ग्रंथि का पर्दा चिपचिपा हो जाता है, जिससे आवाज बदल जाती है। दूसरा यह कि बचपन में बोलने के दौरान मुंह दांत की अलग अलग आदतों के कारण भी आवाज बदल जाती है और ये आदतें सभी में एक जैसी नहीं होती है, इसलिए ही सबकी आवाज अलग अलग होती है। वीडियो में दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और कॉमेंट के साथ साथ इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम।